वहां पे ब्रांच पे आके एक क्रो, एक कौवा बैठ जाता है। अब ऊपर कौवा हिलता है, पता नहीं किस रीजन की वजह से, या फिर उसे ठंडी लग रही होती है, या फिर बस उसे स्ट्रेच करने का मन करता है अपने विंग्स को। कि नेचर इज अ वंडरफुल बीइंग एंड इट अंडरस्टैंड्स अस बेटर देन वी अंडरस्टैंड इट। एक कौवा, द क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों चीजें सिंबलाइज क्या करती हैं? बैड ओमन को। पोएट्री एक ऐसी चीज है जो कि ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, बिल्कुल माना, तो आप अपने ख्याल के हिसाब से भी लिख सकते। Nature has a beautiful way of mending the broken. And you know what? This chapter is all about that. Poetry ka chapter hai, chapter number 1, The Dust of Snow by Robert Frost from a book First Flight. So as usual, ek quick overview ke saath shuru karte hain. Author ka naam Robert Frost sahab. I mean, inke bare mein janna anivary ho chuka hai. Itni hi sare poetry apan already inki pad chuke hain kyunki. Now, style kya hai? Matlab ye poetry kis type ki hai agar bola jaye to lyrical poetry hai kyunki yahan pe ek लिरिक के रूप में एक सुर यहाँ पे इसमें बांधा जा सकता है, समझेंगे हम जब हम राइम स्कीम की बात करेंगे। और इसको बोलते हैं क्वाट्रेन। क्वाट्रेन क्या होता है? क्वाट से हम ये समझ सकते हैं कि चार, दो स्टैंजास हैं और हर स्टैंजा में सिर्फ चार लाइन है, इसलिए इस पोएट्री को एक क्वाट्रेन स्टाइल पोएट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्वाट्रेन चार लाइनों वाला है। ये दो शब्द अगर आपने आंसर में लिख दिए तो याद रखिएगा ब्राउनी पॉइंट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज किए? तो प्राइमरीली इमेजरी यूज किया गया है, सिंबोलिज्म यूज किया गया है, मेटाफर यूज किया गया है और एनजैमेंट यूज किया गया है। अब आते हैं राइम स्कीम के ऊपर। राइम स्कीम क्या है? ए बी, बस इतनी सी है। अब आठ लाइन की पोएट्री है, उसमें ए बी मिल जाएगा अपन को। प्लॉट समरी, तो यहां पे कवि कहना चाहते हैं कि यार बड़ा दुख है जीवन में, बट नेचर ना कभी कभी हमें सरप्राइज करता है एक अनकही अनहोनी चीजों से जिसको यूजुअली लोग बैड ओमन के रूप में देखते हैं, पर कई बार इट्स ऑल लेफ्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग दैट। और यहां पे भी पोएट इस तरीके से कोई चीज एक्सपीरियंस करता है जहां पे यूजुअली एक बैड सुपरस्टिशन की तरह उन चीजों को देखा जाता है। वो दो चीजें जो कि इस पोएट्री में जिक्र किया गया, जिसका उस चीज के बारे में बात करो, किस तरीके से उसको एक्सपीरियंस करने के बाद उसका जो खराब मूड होता है ना, बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा क्या होता है, जानते हैं पोएट्री के साथ। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहां पे हमारी शुरुआत होती है दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। अब यहां पे कवि कहना चाहते हैं कि विंटर का समय था और पोएट ना बड़े ही खराब मूड में था और कहीं बैठा हुआ था एक ट्री के नीचे, हेमलॉक ट्री। नाउ हेमलॉक ट्री में हेमलॉक का मतलब है एक पॉइजन, तो हेमलॉक को एक सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है फॉर पॉइजन के लिए भी, और हेमलॉक ट्री मतलब ये ट्री में जो भी लग रहा है वो पॉइजनस है। तो यहां पे बैड ओमन नंबर 1। तो सिंबॉलिकली हमें क्या बताया जा रहा है कि भैया नेगेटिव एक कोनोटेशन यहां पे दे दिया गया है, तो एक नेगेटिव कोनोटेशन देने वाले ट्री मतलब हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, वहां पे ब्रांच पे आके एक क्रो, एक कौवा बैठ जाता है। अब कौवे को भी अगर हम देखा जाए तो यूजुअली कई कल्चर्स में उसे बैड ओमन की तरह देखा जाता है कौवे को भी। तो यहां पे दो बैड ओमन मतलब यहां पे दो अपशगुनी चीजों के बारे में बात किया जाए, एक कौवा और दूसरा एक हेमलॉक ट्री। अब यहां पे क्या हो रहा है कि अचानक बैठा हुआ है और अचानक से ऊपर कौवा हिलता है, पता नहीं किस रीजन की वजह से, या फिर उसे ठंडी लग रही होती है, या फिर बस उसे स्ट्रेच करने का मन करता है अपने विंग्स को, पर उसके ये करते करते ना थोड़ा सा आके उसके ऊपर गिर जाता है क्या, स्नो। कहां गिरता है? सर पे गिरता है, आजू बाजू गिरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट पोएट के ऊपर वो स्नो के थोड़े से अंश गिर जाते हैं जिसको उसने डस्ट बोला गया है। अब इसकी वजह से क्या होता है, तो यहां पे शुरुआत होती है उसके मन के परिवर्तन की। जैसे ही वो फील करता है कि उसके बदन पे स्नो गिरा है तो उसको एक सेंसेशंस होती है, एक कोल्ड सेंसेशन आता है और एक वेलवेटी मतलब बहुत ही स्मूथ सा वेलवेट जो कपड़ा होता है ना वो स्मूथ होता है, तो वैसा स्मूथ सा सेंसेशन आता है और जिसकी वजह से अचानक से पोएट का मूड बदल जाता है, एक बहुत ही खराब बिटर मूड से एलेटेड फील करता है, हैप्पी फील करने लगता है। फिर क्या सोचता है पोएट? Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I rued. और उसके बाद उसे अचानक से एक epiphany होती है, मतलब अचानक से एक सत्य उसके सामने आता है कि यार इसी के चलते जैसी वो स्नो मेरे ऊपर गिरा उस कौवे के हिलने की वजह से, वो भी हेमलॉक ट्री के अंदर नीचे बैठे बैठे, जैसी वो स्नो मुझ पर गिरा तो अचानक से मुझे रिफ्रेश फील होने लगा। This movement was compelling and saves his day from disappointment. और ये जो movement होता है उसका कौवे का हिलना और उसके ऊपर स्नो का गिरना, इसकी वजह से उसका पूरा दिन जो होता है, जो उसका मूड खराब होता है किसी रैंडम रीजन की वजह से, उस रीजन को बाजू में हटाता है उसके मन ही मन और उसका दिन अचानक से अच्छा हो जाता है। The black crow usually symbolizes bad omen and emblem of death and fear. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि काला कौवा जो होता है कई कल्चर्स में उसे बैड ओमन मतलब अपशगुनी माना जाता है और एम्बलम ऑफ डेथ मतलब एक सिंबल ऑफ डेथ और फियर भी माना जाता है। यहाँ पे यही एक आयरनी और ये तीसरा शब्द आपके आंसर के लिए मिल चुका है कि ये आयरोनिकल पोएट्री भी है जहाँ पे
बैड ओमन को सिंबलाइज करने वाली चीजों से एक गुड ओमन की बात की जा रही है। और इसीलिए बाद में पोएट ये भी बात करता है कि यार नेचर बहुत ही सरप्राइजिंग है कि किस तरीके से नेचर हमें कई बार सरप्राइज करता है और हम अलग अलग कनोटेशंस, हम अलग अलग सिंबल्स दे देते हैं कई सारी चीज़ों को, अलग अलग सुपरस्टिशंस क्रिएट कर लेते हैं, बट नेचर को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप नेचर के साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे ना और उसे एक मौका देंगे कि आ मेरे अंदर एक घर बना और मेरे परसेप्शन को बदल, जो नेगेटिव कनोटेशंस और नेगेटिव ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं नेगेटिव फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उसको कोशिश करो आप एक बार आके मुझे उससे निकालने की। एंड दैट इज व्हाट द पोएट हैज बीन एक्सपीरियंसिंग इन सिर्फ 8 लाइनों में। सिंस द क्रो इज नॉट रिलेटेड टू गुडविल, इट इज आयरोनिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रो गुडविल से रिलेटेड नहीं है, तो ये आयरोनिकल स्टेटमेंट है। और साथ ही साथ ये सेम लॉजिक हेमलॉक ट्री के ऊपर भी पूरी तरीके से कारगर बैठता है, क्योंकि हेमलॉक का मतलब क्या बताया था, पॉइजन। पॉइजन का सिनोनिमस है, और हेमलॉक ट्री मतलब ऐसा पेड़ जिसके ऊपर पॉइजनस चीजें उपज रही हैं। इसी के साथ हमारी ये छोटी सी 8 लाइन की पोएम यहीं पर समाप्त होती है, पर इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। और अगर जनरली हम थीम की बात करें फिर से, तो मीनिंग सब इतना सा है कि नेचर इज अ वंडरफुल बीइंग एंड इट अंडरस्टैंड्स अस बेटर देन वी अंडरस्टैंड इट। और अगर हम उसे एक मौका दें अपने खराब बहुत डाउनट्रॉडन समय में, अगर हम उसे एक मौका दें तो वो हमें उस खराब डिप्रेशन वाली फीलिंग से निकाल सकता है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें भी नेचर को हमारे अंदर आने का मौका देना जरूरी है। तो ये चीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इन 8 लाइनों से समझाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम लिटरेरी डिवाइसेस पे। इमेजरी, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे थे, इमेजरी क्या होता है, रूट वर्ड क्या है इमेजरी का, इमेज। तो वो शब्द जब लिखे जाते हैं पेपर पे और जिसकी वजह से आप इमेजिन कर सकते हैं कोई चीज, उस पूरे कार्यक्रम को, उस लिटरेरी डिवाइस को, यूजेज को बोलते हैं इमेजरी। अब यहां पे क्या है भैया, आप इमेजिन कर पाए ट्री के नीचे बैठा है, ऊपर का हुआ आगे हिला है, ये सारी चीजें अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द पोएट्री, तो वो चीज इमेजरी कही जाती है। डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट्स, ये सारी चीजें जब इमेजिन कर पाए तो इमेजरी हो गई। दूसरा लिटरेरी डिवाइस है सिंबोलिज्म। जैसे ही मैंने आपको शुरुआत में पोएट्री के बोला था कि दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कौवा द क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों चीजें सिंबलाइज क्या करती हैं, बैड ओमन को, अपशगुन को सिंबलाइज करती हैं। बट आयरोनिकल है क्योंकि अपशगुनी चीजों को यूज किया गया है कोई पॉजिटिव चीज के बारे में बात करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट सिंबोलिज्म है। जब हम किसी चीज के बारे में इनडायरेक्टली बात करते हैं और डायरेक्टली उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, टिप्पणी नहीं देते हैं, तो उसे सिंबोलिज्म बोलते हैं। मीनिंग वी आर यूजिंग अ वर्ड एज अ सिंबल टू मेक सम डिफरेंट फिगरेटिव पॉइंट। तीसरी चीज आ गई एनजैमेंट। सिंपल तरीके से समझा करें एंजेमेंट को ना, तो हमारे पंक्चुएशन का कार्यक्रम नहीं है। अगर आप ध्यान से इस पोम को देखें तो यहाँ पर ज्यादा पंक्चुएशन वगैरह को यूज किया ही नहीं गया है, और एक के बाद दूसरे थॉट पे हम बहुत ही स्मूथली फ्लो करते हुए जा रहे हैं। व्हेन यू गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएट्री आपको ये दिखेगा। तो तीसरा जो प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है एंजेमेंट। और अंत में आता है हमारा प्यार ऐसा मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है भाई, वही होता है जहाँ पे दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे क्या कंपेयर किया गया है, सिर्फ एक बार बहुत सटनली यूज किया गया है 3rd लाइन में फर्स्ट स्टैंजा की, जहाँ पे स्नो को डस्ट से कंपेयर किया गया है। अब याद रखिएगा मेटाफर और सिमली के बीच में एक ही अंतर है, दोनों टूल्स ऑफ कंपैरिजन है, बट सिमली में एज और लाइक जैसे वर्ड्स यूज होते हैं, मेटाफर में वो नहीं होते हैं। पोएम में एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेटाफर क्यों है। अब जानते हैं हम पोएट के बारे में, कवि के बारे में। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में क्या कहना, एक नंबर ऑथर है और बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं, और उन्होंने पूरा इन जो लिटरेचर है ना, इंग्लिश लिटरेचर, उसको डिफाइन कर रखा है। दैट इज व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अमेरिकाज फोरमोस्ट पोएट्स। दूसरी चीज, 11 साल की उम्र में वो इंग्लैंड मूव कर गए थे, याद रहे तो लिख देना, नहीं याद रहे तो मत लिखना। बट तीसरी चीज, उन्हें पुलिट्जर प्राइजेस मिले हैं, वो भी चार पुलिट्जर प्राइजेस मिले हैं, एंड बॉलिंगर पोएट्री प्राइज भी मिला है उनको। तो ये जो जितने भी प्राइजेस हैं ना लिटरेचर की दुनिया में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर याद रहे तो इसके बारे में लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम 2-3 और कामों की बात करें इन फेमस पोएट के द्वारा, तो एक ब्रिचेज है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, एंड मेंडिंग वॉल्स एंड द रोड नॉट टेकन, एक नंबर पोएम्स है। और कई बार ये सारी पोएम्स हमारे कहीं ना कहीं जितने भी हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं स्कूल में, कहीं ना कहीं आती ही आती हैं। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ ये 8 लाइन की खूबसूरत पोइम यहीं पे समाप्त होती है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, पोएट्री एक ऐसी चीज है जो कि ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, बिल्कुल माना, तो आप अपने ख्याल के हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट रिमेंबर उसके कोर में एक एसेंस में जो होता है ना, एक मैसेज छुपा होता है, और उस मैसेज को हमने इस वीडियो में समझ लिया है। नाउ अगर समझ में ना आया हो तो क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में अपन लोग बात करेंगे, एंगेज करेंगे। सो प्लीज जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड आई विल मेक श्योर कि उन डाउट्स को मैं देखूं और उसके रिप्लाई भी सूत समेत समय रहते करूं। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।